ओके सो जावा से जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो कॉन्सेप्ट है ओप्स कॉन्सेप्ट ये हमको पता होना चाहिए। तो जावा क्यों आया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और ओप्स कॉन्सेप्ट क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। पहले जो प्रोग्राम था इन 1980 माइक ऑफ कर स्पीकर है ऑफ कर दो। इन 1980 वी आर यूजिंग द सी लैंग्वेजेस एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज ये दोनों लैंग्वेज हम यूज कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए। व्हाट इज दैट फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ ना दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये सब वर्ड आप जब प्रोग्रामिंग गुजर रहे हो तो आप ये सुने हो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या है? सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं और आपको बोलूंगा भाई मेरा सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको 8 GB का रैम चाहिए, विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। सपोज मुझे मेरे पास वो खरीदने की हैसियत ही नहीं, बस एक सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए एक सॉफ्टवेयर के यूज करने के लिए तो मैं मेरा डिवाइस अगर चेंज करूंगा देन दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपेटेबल, सारा यूजर्स के लिए वो कंपेटेबल नहीं। तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऐसा कुछ चीज आया जो कंपेटेबिलिटी इशू आए। मतलब आप अगर एक सॉफ्टवेयर बनाओगे वो सॉफ्टवेयर आप अगर दूसरा कोई डिवाइस में आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहां पर आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम इज व्हाट लाइक देयर इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी इज देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ बॉक्स आर अपीयर। बॉक्स का मतलब क्या है? एरर। अगर कोई एरर आता है आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप अभी आ रहे हो तो ये कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम है, बारिश हुआ तो कुछ कर सकते हो? बारिश के दिन में आप अलर्ट रहो, आपके पास छाता होगा, रेनकोट होगा। बारिश को तो हम नहीं रोक सकते हैं लेकिन वो सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। वो क्या है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको हम कैसे हैंडल करें, तो ये थोड़ा ट्रबल शूटिंग भी खुद पे खुद आपको जानना हो। जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, मतलब यूक्रेन को अटैक हो रहा है। अगर यूक्रेन के पास एटॉमिक पावर होता तो डरता रशिया, नहीं वो अगर छोड़ देगा एक तो हमारा आधा जा चला जाए। ओके दैट मीन्स व्हाट? एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका मतलब है अगर हम हेलमेट पहन रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी रास्ते में हम जा रहे हैं एक्सीडेंट होगा तो हम बच सकते हैं उसको। तो ए स्किल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं। और एक चीज था क्या ना, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है ना, यहां पर आपको ऑटोमेटिक जो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सपोज जब आप बस में आते हो आपका डेस्टिनेशन आ गया तो वहां पर कंडक्टर आपको उठाकर बाहर फेंकता है, आप खुद ही चले जाते हो। मेरा क्लास खत्म हुआ कि मेरा डेस्टिनेशन आ गया, मैं अभी चला जाऊं। और मैं लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, हम मेमोरी डिफाइन किए, वैल्यू स्टोर किए और मेरा काम खत्म हो गया लेकिन वो मेमोरी ऑक्यूपाइड करके रहेगा। तो वहां पर हम पॉइंटर कंसेप्ट यूज करेंगे। वो क्या करेगा ना, उसको पकड़कर भाई तुम जाओ मैं दूसरा को डालना है, बोल उसको बोलना पड़ेगा। मूवी देखने जाते हो, सिनेमा खत्म हो गया, आप निकल जाते हो। ओके देन उसमें हमको कोई बताता नहीं है कि आप चले जाओ, तो वी नो दैट आवर टाइमिंग इज ओवर एंड नेक्स्ट पीपल विल कम, सो हम इसको लिफ्ट कर देते। तो मेमोरी मैनेजमेंट सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता। एंड इट इज ए ओनली स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज था, जैसे कि क्या होगा अगर मैं उसका फंक्शनैलिटी को रीडेवलप करना चाहता हूं। सपोज मेरा मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मेरा एक फर्स्ट फ्लोर का बिल्डिंग है, मुझे सेकंड फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो सी प्रोग्रामिंग क्या करेगा ना, आपको सेकंड फ्लोर बनाना है तो ठीक है, तो फिर से शुरुआत से कर,
और एक बिल्डिंग बनाओ फिर दो माला में आप बना सकते हो। दैट मीन्स ये आपको क्या बोल रहा है ना, कोडिंग अगर आपको कोई नया चीज डालना है तो आप बिगिनिंग से लिखो। तो ये जो प्रॉब्लम है यार, मैं तो एम्प्लॉय को रखकर उसको सैलरी देकर मैं तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना चुका हूँ, दो साल हो गया, फिर और एक नया फीचर डालने के लिए वो दो साल भी जाएगा और एक साल भी जाएगा, तो तीन साल में एक सॉफ्टवेयर रिलीज करो। तो पहले अभी क्या हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर अपडेशन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, बहुत सारा मिनिमम 5-6 दिन में आपका अपडेट आ जाता है, लेकिन अर्लियर जमाने पर वो अपडेशन आपका नहीं मिलता था, सो यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ अपडेशन। ओके, जस्ट ए मिनट, आई थिंक माय वीडियो इज फ्रीज। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा मो कथा सुबु जी, ये स्वाति सुभजी yes, sir, yes. Okay. Yes, sir. So, ये जो प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक रेवोल्यूशन आया, वो रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में आपको बोला जाता है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है तो आपका टीचर क्या करता है, ये फॉर्मूला याद रख कर आओ नहीं तो दंडा पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हो। एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो वहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ता है। रास्ते में इंडिया में चलने के लिए आपको कुछ रूल आपको मानना पड़ेगा। अभी पैंडेमिक हो आया तो गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया, मास्क पहनो, नहीं पहनोगे तो दंडा मिलेगा। लॉकडाउन में निकलोगे तो मार खाना पड़ेगा, फाइन लगेगा। तो ये सब क्या है ना, रूल्स लगाएगा। ओके, अभी ये जो रूल क्या हो रहा है ना, हमको एक ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक हमको वेल स्ट्रक्चर में डाल रहा है। ओके, सिमिलर वे ये जो प्रॉब्लम आया, हम प्रोग्राम को रीडेवलप करेंगे, फिर से बिगिनिंग से लिखेंगे, ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारा पास आ गया ऊप्स कंसेप्ट। तो आज जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, वो सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स के अंदर ही आता है। अगर ऊप्स है तो आप मिनिमम टाइम में प्रोग्राम को ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, जितना भी प्रोग्राम आज हम बना रहे हैं और जितना भी सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग टूडे, इट इज बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ, हमको लेकर ही ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ बेस फॉर ऑल मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इट हेल्प द डेवलपर टू यूज वेरियस मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जितना भी मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हो गया आपका, C++ हो गया, जावा और .NET, ये सब ऊप्स के अंदर आता है। Code reusability feature of Java, it enables the software developer to upgrade the existing application without writing the entire code. पहले क्या बोल रहा है ना, हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो रियल लाइफ। आप अगर पिताजी को पूछोगे कि आप पहले 20 साल 30 साल पहले जब आपको पैसा उठाना पड़ता था तो आप क्या करते, नहीं बोलेंगे हमको बैंक जाना पड़ता था, एक विड्रॉल फॉर्म वहां पर मिलता था, विड्रॉल फॉर्म लाइन में खड़े होकर उसको लाओ, फिर से उसको फिलअप करो, फिर से उसको डिपॉजिट करो लाइन में जाकर, फिर से वो आपको एक टोकन देगा, गोल्ड जैसा एक टोकन देगा, टोकन को पकड़ो, फिर से लाइन में खड़े हो जाओ, फिर आपको पैसा मिले। अगर आपको 50 रुपीज निकालना है और 50 लाख भी आपको निकालना है तो आपको 4 घंटा बैंक को देना पड़ेगा। तो इसलिए बैंक में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता था, भाई मेरा पास ही पैसा रहने दो, कौन जाकर बैंक में रखता, कोई अगर सेविंग करना चाहता था वो रखता, सेविंग अकाउंट कुछ नहीं था, सेविंग करना था। सेविंग अकाउंट का मतलब है हम सेविंग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सेविंग अकाउंट का जरूरत है। ओके, लेकिन वहां पर सेविंग अकाउंट अगर आप बनाओगे तो हाँ, ये आदमी सेविंग अकाउंट है इसके पास, ये बड़ा बड़ा सेविंग अकाउंट है, लेकिन अभी कॉमन चीज हो।
तो ये प्रॉब्लम आया, पैसा उठाने के लिए 4 घंटा, और पियोन को भेजो को कुछ कंपनी का पैसा डालने के लिए वो दिन भर लगा देता, उसका मेला ही मेला होगा, अब भाई जाओ रेस करके आ जाओ। उसके बाद क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आ गया एटीएम मशीन। ओके, एटीएम मशीन में हाँ पैसा निकालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कभी कभार क्या होता है एटीएम ही फंस जाता है, कभी कभार कुछ एटीएम में पैसा ही नहीं होता, तो ये सब प्रॉब्लम कैसा होगा, एक एक दिन का ट्रांजेक्शन रुक जाता। तो रेवोल्यूशन आया जब डिमोनिटाइजेशन हुआ, तभी सारा लोग आगे फोन पे और पेटीएम प्लेटफॉर्म में आते, पैसा भेजना है रुको भेज दो, तुरंत भेजे साउंड आ गया, बस पैसा क्रेडिट आ गया। हाँ, खाना खाना है, पैसे की जरूरत नहीं, मोबाइल है तो मोबाइल इज जस्ट लाइक ए वर्चुअल पर्स। तो इसमें क्या हुआ ना, जो मनीटरी जो नगद जो चीज है, कागज का जो पैसा, उसका ट्रांजैक्शन कम हो गया। जो कागज का पैसा छपाने के लिए गवर्नमेंट को भी वो पैसा खर्चा करना पड़ता, एक 20 रुपीज में गवर्नमेंट को 10 रुपया खर्चा करना पड़ता छपाने, तो गवर्नमेंट को ये अच्छा हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, पैसा ही मत दो तो कम पैसा हो गया तो गवर्नमेंट का मुनाफा। तो ये जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन हमारा है सॉफ्टवेयर, यूज कॉन्सेप्ट ही दिया। और रियूजेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब जब जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ तो सारा, सपोज मैं एयरटेल का जीएसटी बिलिंग इंप्लीमेंट किया, वोडाफोन को भी वही चीज चाहिए, तो जीएसटी तो सेम है, तो मैंने बना दिया, मैं जीएसटी एयरटेल का बना दिया, तो वोडाफोन आया भाई मेरा भी थोड़ा बना, तो मुझे और बिगिनिंग से नहीं करना पड़ेगा, एक बार मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया भाई, अभी क्या करना है लोगो चेंज करके उसको भेजना, अभी हो गया ना। तो एक बार आप इंप्लीमेंट करो, बार बार आप पैसा निकालते जाओ, जस्ट लाइक LIC पॉलिसी कर लिया मतलब जिंदगी भर भरो, वो बोलेगा मरने के बाद मिलेगा, कौन देखा है मिलेगा। ओके, इट जस्ट लाइक दैट। तो रियूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार हम बना लिया मतलब आप बैठ कर ही आप सॉफ्टवेयर बस भेजते चलो उसका कॉपी भेजते चलो, जब तक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, जीएसटी के बाद और कोई आएगा टैक्स तभी आप चेंज करें। ओके, उसके बाद हो गया आपका जावा में। और एक चीज क्या है ना, पहले जो सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो हम डेटा को कहां पर लेकर स्टोर कर रहे थे, एक टेक्स्टुअल फाइल में लेकर स्टोर कर रहे थे, टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर रहे थे। लेकिन उस कॉन्सेप्ट और जावा के आने के बाद हम डेटा को टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हैं और रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में क्या हो गया ना, जो इंफॉर्मेशन है वो रो एंड कॉलम फॉर्मेट में रहेगा। जब आपका इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम फॉर्मेट में रहता है, That means you can easily get the information from there. Okay, आप easily वो डेटाबेस से आपका इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर है। सपोज मैं एक पेपर आपको लिख कर दूंगा, भाई यहाँ पर खोजो अमित नाम का कोई स्टूडेंट है, उसका नेम क्या है, तो ये तो पूरा टेक्स्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके बाद अमित का इंफॉर्मेशन मिले। जैसे कि बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप ढूंढते रहते हो, कहाँ गया भाई ढूंढो, नहीं तो पढ़ते रहे, हाँ ये मिल गया, टाइम लगा। लेकिन वही चीज अगर हमारा PDF फॉर्मेट में होगा तो हमको कितना इजी हो रहेगा, कंट्रोल एम मारो सर्च करो आ गया बस, तो वहां पर सर्च करने का कितना टाइम लगा, यहाँ पर सर्च करने का इतना टाइम। तो जब हम डेटा को रो एंड कॉलम फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट। We are called as the thumb generation. We are not preferred to waste the time for searching the information. हमको ऐसा कोई चीज नहीं चाहिए जिस चीज को हम सर्च करते रहते हैं, तो हमको सारा चीज हमारे पास रहना चाहिए। We want comfortability. Information मेरे पास रहना चाहिए, कुछ भी information हो जाए, so I will retry the information by use my fingertips. एक fingertips मारा तो मेरा सारा information मेरे पास आ। ओके,
so that we call as a what thumb generation in other word. क्लियर? तो ये जो चीज है ये सब चेंजेस हुआ उप्स कंसेप्ट आने के और पैकेजेस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी क्या हो जो पैंडेमिक आया वो आप एक वार्ड सुने हो गए वर्क फ्रॉम होम. कोई फ्रेंड हमें वर्क फ्रॉम होम कर रहा आप क्या कर रहे हैं हम ऑनलाइन में क्लासेस कर रहे हैं. सो इट इज प्लेइंग ए रिवोल्यूशनरी थिंग. ये रिवोल्यूशन कैसे आया पहले क्या होता था देखो जो कंपनी है और ज्यादा मुनाफा कमाया कौन सा पीरियड में ना पेंडेमिक पीरियड में एसी का चार्जेस नहीं है कॉफी का बिल नहीं देना पड़ेगा 20% का सैलरी भी डिडक्ट कर लिया और बंदा भी कुछ मुझे पेट्रोल का बिल भी नहीं देना पड़ रहा है घर में एसी में डालो बस ये करो लेकिन काम भी ज्यादा टाइम तक करो. हाँ जब भी मन आया फोन कर दिया भाई उठो अब 10 बजे भी सो रहा क्या बुला लिया. So that is how it is possible because of packaging system. मतलब ये सारा काम को divide कर दी भाई तुम्हारा काम है भाई तुम तुम्हारा पार्ट ले जाओ तुम तुम्हारा पार्ट ले जाओ. टीम लीडर ऐसा बैठ कर देखा होगा तुम कर रहे हो काम आपको ऐसा मॉनिटराइज करेगा यहाँ पर गलती हुआ ये ठीक करो सबको पार्ट दे दिया. टीम लीडर क्या करेगा उसके पास एक मॉडल रहेगा वो मॉडल से वो सभी को शेयरिंग कर देगा वो देखेगा वो मॉडल कितना तक डिलीवर होता है. मतलब जैसे कि मेरे पास एक बड़ा ड्रम है मैं मेरा टीम लीडर को बॉकेट दे दिया तो भाई तुम लोग आकर ड्रम में पानी भरो मैं देखूंगा मेरा पानी भरा है कि नहीं. पानी भर गया मैं बॉस को रिपोर्ट करूंगा भाई भर गया अब ले जा. इट्स जस्ट लाइक दैट. पैकेजिंग इज हेल्पिंग यू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू अ सिंपल एंड यू हैव टू सॉल्व योर प्रोग्राम एट योर ओन वे और आपका ओन लोकेशन में आप सॉल्व करो और आप वो इंफॉर्मेशन कर दो. ओके तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट है इट इज कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी. इट इज अ मेथड इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी विच इज यूज टू रिलेट द रियल वर्ल्ड. आप आज जितना भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो आप देख लो सारा एप्लीकेशन आपका डेली यूज में यूज हो रहा है. फ्रेंड के साथ बात नहीं कर पा रहे थे जब फेसबुक है भाई 10 साल 20 साल के बाद अरे तुम यहाँ पर मिल गए अभी आपके लिए कॉमन है लेकिन हमारे हम जब फेसबुक पहले बार यूज कर रहे थे हमको मजा आ रहा था 10 साल से मिले फेसबुक वजह से और आपके साथ भी हो रहा है. मतलब नाउ वी आर इन सो मच डिजिटलाइज वी कैन सर्च इट इन एनी वे. कोई सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है वी कैन सर्च इट इन द फिंगर टिप. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इट इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी विच रिलेट द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम को लेकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ही डेवलप. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन द टू थिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल दैट इज कॉल्ड द क्लास एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट. Object means any tangible thing that you see in the world is called as the object. Anything that you see in the world, जिसको आप touch कर सकते हो, जिसको आप feel कर सकते हो, that is a object. Any tangible thing, जो चीज आप देख सकते हो, जो feel कर सकते हो, or object. Okay? And ये जो object orientation concept से आप क्या करोगे ना आपका जो software है वो सॉफ्टवेयर को आप स्प्लिटिंग कर सकते हो. डेवलपिंग के टाइम पर स्प्लिटिंग कर सकते हो. कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको 3 चीज चाहिए जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेटाबेस और बिजनेस लॉजिक. ग्राफिकल इंटरफेस में आप डाटा दोगे मेरा नाम फर्स्ट नेम सेकंड नेम जेंडर मैं डाटा दिया उसके बाद आप वहां पर बिजनेस लॉजिक होगा. बिजनेस लॉजिक क्या करेगा ना प्रोसेसिंग करेगा आपका फोन नंबर 10 डिजिट है पासवर्ड 6 कैरेक्टर है और अल्फा न्यूमेरिक है ये सब चेकिंग होता है बिजनेस लॉजिक. वहां पर वैलिडेट होने के बाद वो पेयर आपको ट्रांसफर कर लेते हैं भाई डाटाबेस में आप इसको स्टोर कर सकते. जैसे कि आप प्लेन में जाने से पहले आपको एक क्या करता है चेक करता है कोई हथियार लिए हो कि नहीं बैग को वजन करता है वही वजन है कि नहीं तभी जाकर भाई घुसो नहीं तो भाई निकालो. ओके so that is a splitting of software system. You can divide your program into a smaller part. आप complex program को छोटा छोटा part में आप divide कर सकते हो.
splitting the software into a component part and arrange the them into the higher chips. जिस तरह से स्प्लिट किया उस तरह से मैं इकट्ठा करूंगा, काम खत्म हो गया भाई दे दू. ओके, सो ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज अ मैटेरियल थिंग विच इज प्रेजेंटेड फिजिकली. इट हैज ए स्टेट. एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए स्टेट. योर मोबाइल फोन इज हैविंग ए स्टेट. किसी भी चीज आप मान लो उसका एक स्टेट रहता है. स्टेट का मतलब क्या है? परिस्थिति जिसको बोलते. कभी कभार हम क्या करते हैं, हम वेरी हैप्पी रहते हैं, ये हमारा स्टेट है. कभी दुखी रहते हैं, ये स्टेट है. कभी शांत पड़ जाता है, कभी रिएक्ट करते हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ ए ह्यूमन. मोबाइल फोन का स्टेट क्या है? साइलेंट, वाइब्रेशन, फ्लाइट मोड, रिंगिंग मोड, हाई वॉल्यूम मोड, ये सब स्टेट है एक ऑब्जेक्ट. ओके, जब आप गाड़ी चलाते हो एक होता है क्या, डिफरेंट स्टेट रहता है, स्टार्टिंग स्टेट. ओके, उसके बाद एक ग्रीन कलर आता है, मतलब वहां तक आप ठीक ठाक हो. उसके बाद उसे ग्रीन कलर से आगे जाओगे तो मतलब वो आपको रेड अलर्ट देगा, तो कभी आप मर सकते हो, इंडिकेटर देगा. नीचे आ जाओ, ग्रीन से नीचे आ जाओ, ये इकोनॉमी है. ऊपर जाओगे एक्सीडेंट में पड़ोगे या आपका पेट्रोल ज्यादा खत्म हो. ओके, तो ये हो गया आपका वर्ड स्टेट. एवरी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले द बिहेवियर. देखो हम जब नॉर्मली देखो सारा चीज में ये सब रिलेटेड टू योर रियल लाइफ. जब हम मोबाइल फोन खरीदने के लिए जाते हैं कोई भी शॉप हो गया, तो आप देखो भाई कौन सा मोबाइल चाहिए. हाँ ये वाला बढ़िया मोबाइल है. क्या पहले शुरू करेगा कैमरा से. कैमरा देखो पूरा कांच जैसा आ रहा है, आप चांद में बैठकर फोटो उठा सकते हो, पूरा कांच जैसा है. हाँ उसके बाद बोलेगा इसमें रैम ज्यादा है, आप डाटा ज्यादा रख सकते हो. हाँ उसके बाद आप थोड़ा और थोड़ा मुंह पिला करोगे, वो फिर बोला इसका प्रोसेसर ज्यादा है. ओके, अगर आप कैमरा से खुश हो गए, हाँ कैमरा है, तो कैमरा के बारे में बोले. फिर आप बोलोगे कैमरा इतना है, तो आपको फोकस करेगा डेटा के बारे में, तो मेरा इतना मेमोरी है. फिर वहां पर मुंह छोटा करोगे तो बोलेगा प्रोसेसर इतना है. ओके, तो इस तरह से वो आगे आगे आपका फीचर पता चला जाएगा. तो when we are purchasing any product, we purchase the product by knowing its feature. इसका फीचर क्या है? लैपटॉप खरीदते हैं, पूछते हैं इसका फीचर क्या है, रैम कितना है, कितना हार्ड डिस्क है, कितना आपका जो रैम हार्ड डिस्क ज्यादातर पूछते हैं, SSD कितना है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब पूछते. ये हो गया आपका क्या ना, इसका बिहेवियर हो गया. एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए आइडेंटिटी. आप दो दोस्त गए एक कंपनी का मोबाइल फोन खरीद, एक कंपनी का मोबाइल फोन, सेम कलर हो गया, सेम साइज हो गया, एक कंपनी का मोबाइल फोन खरीद. ओके, तुरंत खरीदे, बिलिंग हुआ. अभी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मोबाइल इसके साथ बिलोंग्स करता है, ये मोबाइल वाई के साथ बिलोंग्स करता है, कैसे आपको पता चले? IMEI नंबर, प्रोडक्ट नंबर और सीरियल नंबर एक यूनिक नंबर होता है. एक कॉलेज में हो सकता है, एक क्लास में स्टूडेंट दोनों का नाम सेम होगा, लेकिन दोज स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइंग बाय देयर रोल नंबर. ओके, अगर आप आपका जो मार्क आपका जो पब्लिश होता है जो मार्क इंटरनेट में, तो आप कैसे सर्च करते हो? रोल नंबर के मदद से सर्च करते हो, रजिस्टर नंबर के मदद से सर्च करते हो, नाम के मदद से आप सर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाखों लाखों स्टूडेंट जो सेम नेम का वहां पर रहे हो. सो एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए यूनिक आइडेंटिटी. ऑब्जेक्ट मींस एनीथिंग लाइक एनीथिंग दैट यू सी इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए आइडेंटिटी. क्लियर? सो टू ऑब्जेक्ट may have the same behavior and state, can never have the same identity. Do object, unka behavior or state, dono hi same hoga, but they are not having the same identity. Can never have the same identity. Okay? A car position at one place,
डिफाइन इट स्टेट, मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट है. व्हेन कार मूव्स शोज इट्स बिहेवियर, कार का देखो यहां पर कार में एक नंबर है MMY88, इट डिस्प्ले इट्स यूनिक आईडी, कार का एक यूनिक आईडी है. द कार रजिस्ट्रेशन नंबर शोज इट्स आइडेंटिटी, कार पोजिशन एट वन प्लेस इट डिस्प्ले इट्स स्टेट. ओके, व्हेन कार मूव्स इट शोज इट्स बिहेवियर, व्हेन कार मूव्स it shows its behavior. Now comes to the class. Combination of similar type of object we share the common structure and functionality is called the class. Combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called the class. देखो class का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ये हमारा Java class है. So you are coming to here to learn about Java. Okay, so it is called as a word. It consists of the similar set of object which share the common structure and functionality. यहाँ पर Java ही पढ़ाया जाए. जब मैं एक example बोलूंगा, suppose birds, तो आपका दिमाग में बोले क्या आएगा, crow वहां पर हो सकता है, peacock वहां पर हो सकता है. तो क्यों हम इसको bird बोलते हैं, उनका उड़ने का क्षमता है. ओके, विंग्स है, वो उड़ सकते हैं, सो दैट वी आर कॉलिंग अस अ बर्ड. ओके, बर्ड में क्रो जाएगा तो क्रो इज अ ऑब्जेक्ट. काउ, काउ इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट. वेदर द काउ इज बिलोंग्स टू द बर्ड क्लास, वो बर्ड क्लास में नहीं जाएगा. क्लास का मतलब क्या है, एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा. बर्ड्स, आप काउ को, गाय को आप बर्ड नहीं बोल सकते हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, इट इज अ ऑब्जेक्ट. बट वी कैन से इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, और डोमेस्टिक एनिमल के अंदर वो चला जाए. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच शेयर द कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी दैट इज कॉल्ड एज द क्लास. कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच शेयर द कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एज द क्लास. समझ में आया? तो इन okay, so this meeting is limited to 40 minutes. Again, when it is cut, okay, agar ek baar cut ho jayega, fir se wahi link mein join kar. Okay, fir se hum continue karenge. Okay. In object programming terminology, data within an object represent its state. Data is termed as attribute. Acha, hum ek student ko mark puchenge. Suppose, bhai, aapka kitna mark hai na? 30%. Gadha hai. ओके, जब हम पूछेंगे कितना परसेंट ना, 80%, आंख बड़ा 90%, और बड़ा बड़ा. ओके, दैट मींस द मार्क इज आइडेंटिफाइंग द पीपल. ओके, जब भी आपका मोबाइल देखोगे आ गया 20%, मोबाइल का बैटरी आ गया 18%, भाई ये चला जाएगा, आप ढूंढोगे कहां पर है, रिचार्ज करना है बस. ओके, जब 18% आ गया, सपोज करंट ही नहीं है, तो आप ढूंढोगे कहां पर करंट है. ओके, तो करंट में जाकर आप ढूंढोगे, उसके बाद उसको चार्ज में बिठा दो. ओके, सो दैट मींस व्हाट इट इज आइडेंटिफाइंग यू. जैसे कि गाड़ी का मीटर अगर रेड में आ जाता है तो वो मांगेगा, भाई मुझे पेट्रोल दे दो, नहीं तो मैं रास्ते में ही रुक जाऊंगा, तो आप ठेर लेकर उठा कर लेकर चलो. ओके, सो डेटा विद इन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इट स्टेट. कोई भी डेटा उसका स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. एक आदमी के पास अगर ज्यादा पैसा होता है तो हाँ ये धनी आदमी, अमेरिका सबसे ज्यादा मतलब क्या धनशाली व्यक्ति वहां पर रहते. ओके, हम अगर श्रीलंका का बात करेंगे, अभी का सिचुएशन गया बिगड़ गया, वो कैटेगरी भी हो जाते. ओके, सो डेटा ही रिप्रेजेंट करता है कि आदमी का स्टेट क्या है, उसका परिस्थिति क्या है. ओके, मेथड, मेथड क्या है ना, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू डू द स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड द मेथड. जैसे कि यहां पर डिफरेंट सारा बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, बोर्ड में क्या होता है, मुझे लाइट लगाना है तो लाइट का स्विच है, फैन लगाना है तो फैन का स्विच है. आप सोचो अगर स्विच ही नहीं होगा तो क्या होगा, सारा चीज एक ही साथ चलेगा. तो सर्दी के दिन में लाइट चाहिए, फैन नहीं चाहिए, वो भी चले.
सर्दी के दिन में एसी नहीं चाहिए, एसी भी चले। ओके, तो हम इसको बंद नहीं कर सकते। तो मेथड यहां पर क्या किया ना, सारा काम को डिवाइड कर दिया, एक सारा काम को थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर। तो आपका जो चीज चाहिए बस आप वही ऑप्शन चूज करो। कस्टमर केयर से बात करने के लिए प्रेस हुआ, ओके, रिचार्ज करने के लिए प्रेस टू, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कस्टमर केयर में, तो उस तरह से एक ऑप्शन रहता है। मोबाइल में ब्लूटूथ एनेबल करने के लिए ब्लूटूथ का ऑप्शन रहता है, वाईफाई के लिए वाईफाई का ऑप्शन रहता है। तो ये जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन इज कॉल्ड द मेथड, उसके बिहाइंड में कुछ ऐसा कोड लिखा गया जिस कोड को के वजह से हमारा ब्लूटूथ एनेबल्ड होता है, जिस कोड के वजह से आपका वाईफाई भी एनेबल्ड होता है। ओके, तो मेथड इज कॉल्ड एज द मेथड, इट शोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कंटेन द कोड टू इंप्लीमेंट द बिहेवियर, उसमें कुछ कंटेंट होता है जो इंप्लीमेंट वो बिहेवियर को इंप्लीमेंट करता है। ओके, इट इज एसोसिएटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज एसोसिएटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड, जो बिहेवियर है वो ऑब्जेक्ट में ही इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हम बोलेंगे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कहां पर है, मोबाइल में है, मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो बिहेवियर होता है, जो मेथड होता है, वो ऑब्जेक्ट में इंप्लीमेंट होता है। एंड एवरी मेथड इज यूज फॉर यूनिक पर्पोज, जो ब्लूटूथ है आज, जो ब्लूटूथ में जो आइकन होता है तो ब्लूटूथ एनेबल होता है, कल वो चेंज हो जाएगा, तो सारा ऑप्शन यूनिक रहेगा और सेम रहेगा। ब्लूटूथ आज भी ब्लूटूथ है, कल भी वो चूज करेंगे ब्लूटूथ है, वाईफाई का सिंबल अलग। तो एवरी फंक्शन इज यूज और एवरी ऑप्शन इज यूज फॉर यूनिक पर्पोज एंड फॉर एवरी डे, क्लियर। एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स इट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ क्लास। इफ इट इज अ जावा क्लास, यू आर ऑल कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, आप एक एक ऑब्जेक्ट हो और यू आर कॉल्ड एज द इंस्टेंस ऑफ। Okay, so an object is called as the instance of class. So if you see this figure, ये figure में आपको बोल रहा है, अगर आपका student एक class रहता है, student एक class रहता है, then student 1 and 2 is called as the instance of class. If student is a class, student 1 and 2 is called as the instance of class, or it is called as the part of the class. Then messages are used for communication between the object. A car is flashing the light to pass the message to the other car. इसका मतलब क्या है? जब हम ट्रैफिक में जाते हैं वहां पर आपको रेड सिग्नल दिखाता है, जब रेड सिग्नल देता है हम ब्रेक मारकर रुक जाते, आगे बढ़ेंगे तो फाइन लग जाए, तो वहां पर कोई आदमी आपको आकर नहीं बोलता कि भाई रुक जा, कोई नहीं बोलता है। तो वी नो दैट सिग्नल इज रेड मीन्स वी हैव टू स्टॉप, सिग्नल इज येलो मीन्स रेडी टू स्टॉप और रेडी टू गो। तो ये जो सिग्नल ही बयान करता है हमको क्या करना, ओके, इट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब हम ऑब्जेक्ट है, ट्रैफिक पुलिस एक ऑब्जेक्ट है, वो सिग्नल दे रहा है, मैसेज पास कर रहा है। हमारे पास जब क्या होता है, हमारा कॉलिंग का रिंगटोन अलग रहता है, मैसेज का रिंगटोन अलग रहता है। जब मैसेज आ गया, हाँ आप इग्नोर कर सकते हो, हाँ वहां कोई भेजा हो, बस कॉलिंग होगा आप तुरंत आप रिएक्ट करोगे और रिसीव करोगे। दैट मींस इट इज सेइंग व्हाट, इट इज गिविंग ए रिंगटोन दैट यू हैव टू टेक दिस कॉल। ओके, सो व्हेन द कार इज फ्लैशिंग द लाइट टू पास द मैसेज देन अदर कार इज रनिंग। नाउ हियर सम क्वेश्चन इज फॉर यू, ओके, सो जस्ट सी इट। Tell me the possible state of the MP3 player. What is that? Swati, Sonali? What is the state of MP3 player? जैसे कि मैं मोबाइल में बोला था, क्या है? Play, pause, volume raise,
MP3 प्ले में प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड ये सब है MP3 प्लेयर, ये सब है डिफरेंट स्टेट ऑफ द मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जॉन वेंट टू ए शॉपिंग मॉल टू बाय सम क्लॉथ। जॉन वेंट टू शॉपिंग मॉल टू बाय सम क्लॉथ। द डोर ऑफ द शॉपिंग मॉल वॉज ऑटोमेटिक विज ओपन आसुनाज जॉन स्टेप नियर इट एंड क्लोज आसुनाज जॉन एंटर द मॉल। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग द पॉसिबल रिसीवर ऑफ द मैसेज एंड पॉसिबल मेथड द रिसीवर कैन यूज। जॉन वेंट टू शॉपिंग मॉल, जॉन शॉपिंग मॉल को जा रहा है, जब एंट्री कर रहा है डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, उसके बाद डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है। ओके, देन टेल मी द पॉसिबल रिसीवर ऑफ द मैसेज, कौन रिसीव कर रहा है मैसेज। और कुछ आंसर स्वाति, कौन है आंसर? डोर। यस, गुड, इट इज अ डोर। डोर रिसीव कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, कौन रिसीव कर रहा है? आप रिसीव कर रहे हो, सो यू आर द लिसन। एंड द पॉसिबल मेथड द रिसीवर कैन यूज, और रिसीवर ने क्या किया, डोर ने क्या किया? मेथड मीन्स वर्क। हाँ, तो मेथड क्या किया? डोर को ओपन किया और डोर को क्लोज किया। ये हो गया पॉसिबल। ओके, सो वी हैव जस्ट वन मिनट, अगेन यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक। ओके, सेम लिंक में अगेन आप ज्वाइन करो। ओके, अगर कट जाएगा सेम लिंक में अगेन ज्वाइन करो। ओके, द पॉसिबल मेथड द रिसीवर कैन यूज दैट इज कॉल्ड एज द ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच, ये जस्ट हम डिस्कस करेंगे आफ्टर यू रीच ऑन।